उन्हें यहाँ लगाया जाएगा। हम बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं, सावन के महीने में ऐसी सब पुराण की कथा सुन रहे हैं जो अपराधी लोगों का भी उद्धार कर देती है। इसी संदर्भ में एक बड़ी सुंदर कथा है, वर्णन किया गया है। कहा गया है कि इस धरती पर एक ब्राह्मण जिसका नाम था देवराज, नाम है देवराज, काम बड़े खोटे करता था वह, हाँ रस विक्रेता है, शराब बेचता है, ऐसा कोई अपराध नहीं है जो उसने ना किया हो। वर्णन किया गया, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमंत बलवंत महाराज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लिखा है देवराज समान शांति ज्वरिणा पीड़ितो एक देशावशाद रात्रो मातरम पितरम वधूं प्रसुप्तान्यवधि दुष्टो धनम तेषां तथा हरत। वर्णन किया है देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, इतना कुकर्मी है, इतना बिगड़ा हुआ है। एक दिन की बात थी, स्नान करने के लिए कहीं किसी सरोवर पर पहुंचा, वहां उसने किसी शोभावती नाम की गड़का को देखा। उसको देखते ही इंद्रियां विवल हो गईं और उसको पकड़ करके घर लेकर के आ गया। बड़े लंबे समय तक वो कर्म करता रहा, संपदा और शक्ति दोनों समाप्त हो गई। अंत में जब श्रीमान किसी काम के नहीं रहे तो ये प्रयाग में पहुंच गए। प्रयाग, प्रयाग के लोग कुछ आए हैं, प्रयागराज को प्रयाग ही कहें, प्रयागराज कहें तो ही ठीक है, अब इलाहाबाद विलाहाबाद ये छोड़िए, प्रयाग। तो प्रक्षेणा याग्यादि प्रयाग, जहां आज भी हर समय यज्ञ हो रहा है, उसको प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो यह श्री प्रयाग में आया, ज्वर से कंपित था, बुखार के मारे थर थर कांप रहा था। एक महीने की वहां कोई कथा हो रही थी। तो देवराज क्षमा शांति ज्वरेणा पीड़ितो मृत बद्धो यम भटई पासई नीतो यमपुरम बलात्। तो वर्णन किया है कि एक महीने तक वहां पड़ा हुआ है, तड़पता रहा, लेकिन इसने सिम महापुराण की कथा अपने कर्ण रंध्रों से अपने कानों से सुन ली। कथा इधर पूरी हुई और जैसे ही कथा पूरी हुई एक महीने तक सुनता रहा और सुनने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि मृत्यु लोक में एक बहुत बड़ा पापी मरा है, उसको पकड़ करके घसीट करके लेकर के आओ। यम के दूत लेने को आ रहे थे और इतने में भगवान शंकर के गढ़ इधर से इसको लेके जा रहे थे। रास्ते में मुलाकात हो गई, युद्ध हुआ, लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ हुआ और आखिर में भगवान शंकर के दूतों ने, शंकर के गढ़ों ने देवराज को ले जा करके रुद्रलोक में खड़ा कर दिया। शंकर जी अपने आसन पर बैठे थे, महादेव खड़े हो गए, कंठ से लगाया और कहा आज से तुम हमारे प्रमुख गढ़ कहलाई जाओगे। देवराज को महादेव के चरणों में जगह वहां मिली। तो यहां सूत जी महाराज स्वर्णकृषियों को एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, धर्म राजस्तु तम सत्वा स्वाला याद वही राग मत। जब यम दूतों में और शंकर के गढ़ों में युद्ध हो रहा था तब धर्मराज भी वहां चल करके आ गए थे। धर्मराज ने उस अपराधी पापी देवराज की परिक्रमा करी, प्रणाम किया और विदा किया भगवान शंकर के तरफ। तो सूत सोनकियों को कहते हैं शिव महापुराण के महिमा देखिए, जिसने दुनिया भर के तो पापकृत कर्म किए, इतना बड़ा अपराध किया और धोखे से शिव पुराण की कथा सुनी, पाप सब मुक्त हो गए, स्वयं यमराज ने उसकी परिक्रमा करी और ससम्मान के सहित भगवान के रुद्र लोक के लिए उसको पहुंचाया और शंकर जी ने उसको अपना प्रमुख गढ़ बना लिया। ये शिव महापुराण की महिमा, ये तो अनजान में कथा सुनी तब, और जो जानकर प्रश्नता पूर्वक कथा सुनते हैं ऐसे भक्तों को शंकर के हृदय में जगह मिल जाती है। इसलिए लोगों को चाहिए कि भगवान शंकर की कथा के प्रति श्रद्धा रखें। यूँ तो महादेव की कथा हर समय कल्याण करती है, लेकिन सावन के महीने में
इस कथा का महत्व तो और ज्यादा बढ़ जाता है।